वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ क्योंकि स्ट्रीमर्स फैमिली को एक साल पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे की ओर। कबीरदास जी लिखते हैं, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। अर्थात कबीरदास जी लिखते हैं, कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा अपना दोस्त, अपना साथी ऐसा चुनना चाहिए जो मन से और स्वभाव से, बाहरी स्वभाव से एक हो। वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक बगुला अपने तन से तो श्वेत रंग का होता है, यानी कि वो शांति दर्शाता है, पीस दर्शाता है, पर जब आप एक बगुला के मन के अंदर देखें तो उसमें काला होता है, उसमें बुराई कहीं ना कहीं छुपी होती है। और वहीं आप दूसरी ओर अगर एक आप कौवे को देखें, उसका तन और मन दोनों काला होता है। वो जैसा अपने मन से है वो वैसे ही अपने तन से है। तो आप अपने साथी भी ऐसे ही चुने जो तन और मन दोनों तरह से एक हो। कबीरदास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट जस्ट लाइक अ हेरन हु इज वाइट फ्रॉम इट्स बॉडी एंड वाइट रिप्रेजेंट्स पीस एंड फ्रेंडलीनेस, but if you peep inside the heart of the heron, it's black, it's full of evil deeds and negativity. But on the other hand, if you look a crow, it is black from its body and black from its heart too. So he wishes here to convey the message that you should always choose a companion, a friend who is the same from inside and the outside. With this, I conclude. Thank you.